शहर के वार्ड नंबर 25 प्रेम नगर स्थित पंडित दीनदयाल उपाध्याय उद्यान में एकता महिला मंडल के तत्वाधान में श्रीमद् भागवत ज्ञान यज्ञ सप्ताह सोमवार से जारी। कथा का वाचन रोज दोपहर 2 बजे से शाम 6 बजे तक बमनी बंजरा मंडला से पधारे कथावाचक पंडित परिणीत कृष्ण दुबे द्वारा किया जा रहा है। शुक्रवार को महाराज ने श्री कृष्ण के जन्मोत्सव की कथा सुनाई। नारायण के स्वरूप को देखते ध्रुव जी भगवान को एक तक निहार रहे हैं। आंखों में आंसू है, कह नहीं पा रहे, गला रुंध गया। भला 5 वर्ष का बालक जो कभी स्कूल नहीं गया वो भगवान की स्तुति कैसे कर सकता है। परंतु अगर भगवान ज्ञान से प्रसन्न होते तो सबरी तो पढ़ी लिखी नहीं थी और वहां तो बड़े बड़े ऋषि मुनि विद्वान थे, पर भगवान सबरी की कुटिया में क्यों गए। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ स्थल अयोध्या में प्रभु श्री राम का भव्य मंदिर का लोकार्पण आगामी 22 जनवरी को होने जा रहा है और इस उपलक्ष्य में अक्षत कलश यात्रा निकालकर हिंदू धर्मावलंबियों को अयोध्या में पहुंचने का निमंत्रण दिया जा रहा है। इसी उद्देश्य से भगवान राम की नगरी अयोध्या से आए अक्षत कलश को 12 जनवरी को ग्राम पंचायत बकोड़ा में पहुंचा, जिसका हिंदू धर्मावलंबियों के द्वारा भव्य स्वागत किया गया। इसके बाद पूजा अर्चना कर बैंड बाजे व भक्ति भाव के साथ अक्षत कलश यात्रा निकाली गई और यह यात्रा ग्राम के विभिन्न चौक चौराहों का भ्रमण करते हुए मंदिर पहुंची, जहां आरती कर यात्रा का समापन किया गया। इन दिनों बालाघाट नगर पालिका की कार्यप्रणाली नाटकीय घटनाक्रम जैसे प्रतीत हो रही है। कभी नगर पालिका बालाघाट के द्वारा अधिकारियों की उपस्थिति में बकायेदारों के नाम सार्वजनिक कर देते हैं तो कभी अधिकारियों की अनुपस्थिति में बकायेदारों के नामों के बैनर फ्लैक्स उतार कर रख दिए जाते हैं, तो कभी अधिकारियों के नहीं रहने पर भी बकायेदारों के नाम सार्वजनिक नहीं होते, और जब अधिकारी तुरंत ही फटकार लगाते हैं तो तुरंत ही बकायेदारों के नामों के फ्लैक्स और बैनर चौक चौराहों में टांग दिए जाते हैं। ऐसा ही नजारा 12 जनवरी को नगरपालिका बालाघाट में देखने को मिला। आपको बता दें कि नगरपालिका परिषद बालाघाट की कार्यप्रणाली इन दिनों नाटकीय घटनाक्रम पर चल रही है। शुक्रवार को नगरपालिका की कर वसूली की कार्रवाई में रोचक मोड़ आ गया। एक तरफ प्रभारी सीएमओ दिशा डेहरिया ने 1 महीने के कार्यकाल में कर वसूली को लक्ष्य बनाकर सालों पुराने बकायेदारों के नाम सार्वजनिक किए, वहीं उनके प्रभारी पद छोड़ते ही चौक चौराहों पर लगे बकायेदारों के नामों का फ्लैक्स रात भर में उतार लिए गए। शुक्रवार को ये फ्लैक्स नगरपालिका परिषद में खड़ी कुछ गाड़ियों में ढके हुए नजर आए। इस पर अधिकारियों ने सफाई दी कि जिन बकायेदारों ने राशि जमा कर दी है उनके नाम की सूची से विलोपित किए गए हैं, इसलिए फ्लैक्स निकाला गया और उनके नामों पर कलर पेंट किया गया है। इस पेंट को सुखाने के लिए फ्लैक्स को गाड़ी पर रखकर धूप में सुखाया जा रहा है। शाम तक फ्लैक्स दोबारा अपनी जगह लगा दी जाएंगे, लेकिन सवाल यह खड़ा हो रहा है कि फ्लैक्स में प्रकाशित जिन बकायेदारों के द्वारा जारी राशि जमा करा जा रही है उनके नाम फ्लैक्स लगे रहते में भी कलर पेंट से छिपाया जा सकता है, जैसा 3 दिन पहले 1 लाख से अधिक के 16 बकायेदारों के नामों के साथ किया गया था। इन बकायेदारों में जिन्होंने राशि जमा की उनके नाम फ्लैक्स टंगे होने के साथ ही पेंट या टेप से छिपा कर रख दिए गए थे। बहरहाल प्रभारी सीएमओ के ठहरते ही बकायेदारों के नामों के फ्लैक्स का चौक चौराहों से हटना नगरपालिका की कार्यप्रणाली पर कई सवाल खड़े कर रहे हैं।
वहीं स्वास्थ्य कारणों से करीब एक महीने से अवकाश पर चल रहे नगरपालिका सीएमओ निशांत श्रीवास्तव ने शुक्रवार को अपना पदभार संभाल लिया है। अपनी अनुपस्थिति में प्रभारी सीएमओ के रूप में एक महीने तक सेवाएं यहां देने वाली दिशा डहरिया की कर वसूली की मुहिम की उन्होंने सराहना की और इसे आगे इसी शक्ति के साथ जारी रखने की बात कही। श्री श्रीवास्तव ने कहा कि शुक्रवार देर शाम तक 20,000 से 50,000 रुपये तक के करदाताओं के नाम सार्वजनिक किए जाएंगे। कर वसूली में किसी तरह की कोताही नहीं बरती जाएगी। हालांकि प्रभारी सीएमओ के हटते ही फ्लेक्स के हटने के सवाल पर उन्होंने कहा कि फ्लेक्स इसलिए हटाए गए हैं क्योंकि उनमें से कुछ नाम गलत प्रकाशित हो गए थे जिन्हें संशोधित कर दोबारा टांगा जाएगा। वहीं अवकाश से लौट के बालाघाट नगरपालिका के मुख्य नगरपालिका अधिकारी निशांत कुमार श्रीवास्तव के द्वारा अनौपचारिक चर्चा में यह भी बताया गया कि जब वह स्थानांतरित होकर बालाघाट आए थे तब वह भी बालाघाट में आकर काम ही करना चाहते थे, किंतु उनके शुरू में ही जैसे ही कार्य करने के बाद राजनीतिक दबाव बढ़ता गया जिस कारण से वहाँ जो कार्य करना चाहते थे वह नहीं कर पाए, जबकि उन्होंने इससे भी बड़ी बड़ी कार्यवाही इंदौर में रहकर राजस्व वसूली को लेकर की थी। वहाँ उन्होंने भी इंदौर में काफ़ी राजस्व वसूली में सीलबंद की भी कार्रवाई की है। नहीं, मुझे जहाँ तक नॉलेज है, मैंने अभी ज्वाइन किया है एक माह की छुट्टी के बाद, तो कुछ उसमें शायद गलत नाम चले गए थे, उनको फिर से टांगा जा रहा है और एक आध घंटे में फिर से टांग जाएंगे। सर, लगभग कितनी की वसूली यहाँ कितनी हो गई है? कल दिनांक की जो वसूली है 11,93,417 रुपए कैश, और अभी तक के सर 50,000 से लेकर 1,00,000 रुपए तक के कितने बकायादारों के नामों की सूची सार्वजनिक की गई थी, उनमें से कितने लोगों ने जमा किया है पैसा कैश और नगद के माध्यम से? 50,000 से 1,00,000 तक के 41 लोगों की सूची टांगी गई थी जिसमें से 6 लोगों ने कैश जमा किया है 2,84,000 रुपए। और चेक से कितना राशि है ये? सर जी 26,35,000 चौपाटी की दुकानों की चेक के माध्यम से अभी तक राशि 26,35,582 रुपए जो बात की डेट के कुछ चेक। जैसे कि सर अब ये कार्रवाई को सतत आप भी चालू रखेंगे तो आपने किस प्रकार की अभी रणनीति बनाई है? सर अभी तो 50,000 से 1,00,000 वाले और 1,00,000 से ऊपर वालों की सूची टांगी जा रही है, इसके बाद 20,000 से 50,000 तक के जो भी बकाया घर उनकी सूची भी हम टांग रहे हैं। सर अभी तक लगभग कितना कैश और चेक के रूप में अभी तक कुल राशि कितनी आ गई होगी? अभी लगभग अभी तक की ये बालाघाट नगर के गोंदिया रोड कृष्णा डेयरी के सामने चौक में 16 चक्कर ट्रक ने कार को पीछे से ठोस मारकर क्षतिग्रस्त कर दिया। वहीं इस दुर्घटना में साथ ही वहां से गुजर रही मोटरसाइकिल कार के पीछे टकरा गई। मोटरसाइकिल कार से टकराने से जहां वह क्षतिग्रस्त भी हुई, वहीं मोटरसाइकिल में सवार माँ बेटे घायल हो गए। 11 जनवरी की रात्रि 8:30 यह दुर्घटना उस समय हुई जब I-10 कार कृष्णा डेयरी रोड से अम्बेडकर चौक की तरफ जा रही थी। दुर्घटना में घायल युवक तपेश सिंडे और उसकी मां पुस्तकला सिंडे का इलाज जिला अस्पताल में जारी। प्राप्त जानकारी के अनुसार छविलाल पटले ग्राम भालवा निवासी जो अपने गांव में मेडिकल स्टोर का संचालन करते हैं। 11 जनवरी को छविलाल पटले अपनी I-10 कार CG04HC8299 से अकेले ही अपने गांव से मेडिकल दुकान की दवाई खरीदने के लिए बालाघाट आए थे। रात्रि करीब 8:30 छविलाल पटले अपनी कार से कृष्णा डेयरी रोड से अंबेडकर चौक की तरफ जा रहे थे। कृष्णा डेयरी रोड से उनकी कार के पीछे पीछे एक मोटरसाइकिल भी आ रही थी, इसमें एक लड़का व एक महिला बैठी थी। जैसे ही छविलाल पटले ने अपनी कार कृष्णा डेयरी के सामने चौक गोंदिया रोड मुंबई कार श्रृंगार के सामने से अंबेडकर चौक की तरफ मोड़ी, उसी समय हनुमान चौक की तरफ से आ रहे 16 चक्का वाहन सीज के चालक ने तेज रफ्तार लापरवाही पूर्वक खतरनाक तरीके से अपना वाहन चलाकर छविलाल पटले की कार को पीछे से ठोस मार दिया। इस 16 चक्का वाहन की ठोकर से छविलाल पटले की कार पीछे से क्षतिग्रस्त हो गई। इसी के साथ ही पीछे से आ रही मोटरसाइकिल छविलाल पटले की कार से टकरा गई जिससे मोटरसाइकिल भी क्षतिग्रस्त हो गई और इस मोटरसाइकिल में सवार तपेश सिंडे और उसकी मां पुस्तकलाबाई सिंडे घायल हो गए। इसके बाद छविलाल पटले दुर्घटना में घायल तपेश सिंडे और उसकी मां पुस्तकला सिंडे को लेकर रिपोर्ट करने कोतवाली थाने पहुंचे। कोतवाली पुलिस ने दुर्घटना में चोटिल हुए तपेश सिंडे और उसकी मां पुस्तकला बाई सिंडे का इलाज जिला अस्पताल में करवाया। छविलाल पटले के द्वारा की गई रिपोर्ट पर 16 चक्कर ट्रक क्रमांक के चालक के विरुद्ध 279-337 भारतीय दंड विधान व धारा 184 मोटर व्हीकल एक्ट के तहत अपराध दर्ज कर विवेचना शुरू की है। बारासोनी नगर सहित क्षेत्र में भी 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस अवसर पर शासकीय व अशासकीय सहित विभिन्न संगठनों के द्वारा
अपने स्तर पर जगह जगह विभिन्न कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें प्रमुख रूप से शासन के द्वारा प्रसारित किए गए कार्यक्रम के अनुसार राष्ट्रीय युवा दिवस रेडियो पर सुनकर प्राणायाम कर्म इसे मनाया गया। वहीं विभिन्न स्थानों पर मैराथन व अन्य प्रतियोगिताएं करवाई गई। इस दौरान बड़ी संख्या में युवाओं के द्वारा कार्यक्रमों में सहभागिता दिखाते हुए स्वामी विवेकानंद के द्वारा बताए हुए मार्ग पर चलकर स्वयं व समाज का विकास करने का संकल्प लिया गया। इसी कड़ी में शासकीय शंकर साव पटेल महाविद्यालय में भी राष्ट्रीय युवा दिवस आयोजित किया गया, जिसमें उपस्थित जनों के द्वारा माता सरस्वती स्वामी विवेकानंद के छायाचित्र पर माल्यार्पण किया गया। तत्पश्चात रेडियो के प्रसारण पर सामूहिक सूर्य नमस्कार करने के उपरांत 4 किलोमीटर की मैराथन दौड़ कार्यक्रम भी आयोजित की गई। महाविद्यालय में स्वामी विवेकानंद पर निबंध प्रतियोगिता, चित्र प्रदर्शनी, शिकागो व्याख्यान का प्रदर्शन भी किया गया, जिसमें छात्र छात्राओं के द्वारा बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया गया। सम्मानीय अतिथियों से निवेदन करता हूँ मंच पर अपना स्थान ग्रहण कर रहे सभी यहाँ मंच के समक्ष जो भी प्रतिभागी हैं वे यहाँ बैठेंगे। आधा घंटा अपने शरीर में ही घेरना चाहिए, योगा योग करना चाहिए। योग हम एक कमरे में कर सकते हैं, हाथ में कर सकते हैं और 15-20 मिनट में हम ये शरीर हमारे पूरी ताकत के रूप में भर के सामने आता है। उस ताकत को पहचानने की आवश्यकता योगा जोड़ने का काम करता है, जो हमारे शरीर की सारी ताकत को जोड़ता है उसको योग कहते हैं। तो अपनी अगर क्षमता बढ़ाना चाहते हैं आप खेल कूद में पढ़ाई लिखाई में आपको योग करना ही चाहिए। आज हम लोग भी कई सारे राजनीति कर रहे हैं, राजनीतिक क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए आपको योग बहुत काम आता है। योग की सारी क्रियाएं आपको आना चाहिए, बहुत ज्यादा क्रिया नहीं है, 8-10 क्रियाएं भी आप कर लेते हैं योग की तो आपको वो शक्ति मिलेगी जो आपको हर क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते रहेगी। आपको आप कभी निराश नहीं हो सकते, आप कभी डिप्रेशन में नहीं जा सकते। आप इस महाविद्यालय में इस तरह का कार्यक्रम बहुत अच्छी तरह से करने का प्रयास किया है, जिससे हमारे युवा साथियों को आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलेगी, कुछ सीखने की प्रेरणा मिलेगी। इसके लिए मैं केशव इंग्लिश हायर सेकेंडरी स्कूल में भी हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी 12 जनवरी को स्वामी विवेकानंद जयंती मनाई गई। कमला नेहरू शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में भी 12 जनवरी को सूर्य नमस्कार कार्यक्रम आयोजित किया गया, जहां रेडियो पर प्रसारित कार्यक्रम के अनुसार छात्राओं के द्वारा सूर्य नमस्कार कर विभिन्न प्राणायाम भी किए गए। सरस्वती हायर सेकेंडरी स्कूल के द्वारा भी राष्ट्रीय युवा दिवस पर रैली निकालकर नगर का भ्रमण किया गया। इस अवसर पर स्कूल के युवा शिक्षक ने सूर्य नमस्कार व विभिन्न प्राणायाम के बारे में छात्र छात्राओं को अवगत करवाया। नगर के जयस्तंभ चौक पर राष्ट्रीय युवा दिवस के अवसर पर मैराथन दौड़ आयोजित की गई, जिसमें उपस्थित जनों के द्वारा स्वामी विवेकानंद के छायाचित्र पर माल्यार्पण कर कार्यक्रम प्रारंभ किया गया। इसके बाद लालबरा रोड पर मैराथन दौड़ करवाई गई, जिसमें बालक व बालिकाएं वर्ग में प्रथम, द्वितीय व तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले छात्र छात्राओं को प्रमाण पत्र, मेडल व पुरस्कार का वितरण किया गया। और एक इसी क्रम में द्वितीय पुरस्कार भारत को जानो प्रति में तृतीय स्थान कुमारी यशिता पिता विवेक जैन उपस्थित हो तो आकर अपना पुरस्कार ग्रहण करें। द्वितीय स्थान त्रिलोकसी पिता वहीं वारासुरी नगर के बालाघाट रोड स्थित सिद्धि विनायक मंदिर में पतंजलि योग समिति के द्वारा स्वामी विवेकानंद की जयंती राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाते हुए योग प्राणायाम का आयोजन किया गया। अयोध्या
वहीं प्रजापिता ब्रह्म कुमारी से ईश्वरीय विश्वविद्यालय साधना दे भवन वारासुनी से राष्ट्रीय युवा दिवस के अवसर पर शांति दूत पद यात्रा का आयोजन किया गया। यह यात्रा नगर के मुख्य मार्गों से होते हुए विभिन्न चौक चौराहों का भ्रमण कर शांति का उन्होंने संदेश दिया। लालपरा नगर मुख्यालय से लगभग 9 किलोमीटर दूर ग्राम पंचायत डोकरबंदी के वार्ड नंबर 11 के निवासरत ग्रामीण जनों ने ग्राम के चैनलाल राणा शैलेश राणा पर अक्षत कलश यात्रा में व्यवधान उत्पन्न करने व समझाइश बैठक में ग्रामीण जनों को अश्लील गालियां करने का आरोप लगाते हुए 12 जनवरी को थाना प्रभारी को ज्ञापन सौंप कर उक्त दोनों व्यक्तियों पर सख्त कार्रवाई करने की मांग की। प्राप्त जानकारी के अनुसार डोगरबंदी निवासी राम मंदिर चंदपुरी के पुजारी पंडित राधे श्याम शुक्ला 8 जनवरी को शाम 5 बजे अक्षत कलश यात्रा निकालने के संबंध में पंचायत के सामने ग्रामीणों से चर्चा कर रहे थे। तभी वहां चैनलाल राणा आया और कलश यात्रा के संबंध में गलत बातें करने लगा, जिस पर पंडित शुक्ला ने उनसे कहा कि ऐसी बातें मत करो। उसने उसे अश्लील गाली देने से भी मना किया तो उसने जान संभालने की भी धमकी दे दी। इस तरह से चैनलाल राणा के द्वारा धार्मिक कार्यक्रम में व्यवधान उत्पन्न करने का प्रयास किया गया था, जिससे ग्रामीण जन आक्रोशित थे। जिसे समझाने के लिए ग्राम में 12 जनवरी को बैठक आयोजित की गई थी और चैनलाल राणा को समझाया जा रहा था। इसी दौरान चैनलाल राणा व उसका भतीजा शैलेश राणा बैठक में उपस्थित जनों को अश्लील गाली गलौज करने लगा, जिससे ग्रामीण जन आक्रोशित हो गए और सभी ग्रामीण जन बैठक से सीधे लालबरा थाना पहुंचकर उनके विरुद्ध रिपोर्ट दर्ज करवा कर सख्त कार्रवाई करने की उन्होंने पुलिस प्रशासन से मांग की। मामला ये हुआ सर कि हम कलश यात्रा निकालने वाले थे, श्री राम भगवान वाली कलश यात्रा, उसके पहले ये राणा जी चैनलाल राणा जी आए और बकरी का मुद्दा उठाते हुए पूरे वार्ड नंबर 11 शारदा मंदिर के लोगों की को गाली गलौज किए, अपशब्द बोले और जो धार्मिक भावना थी हमारी जो कलश यात्रा में उसमें बाधा डालने का काम करते हैं। तो ये पहली बार हुआ क्या? इसके पहले भी इतनी वाद विवाद किया है? कई बार उनका वाद विवाद हमारे जो शारदा मंदिर में बकरी पाले हैं, एक बकरी जी किसी ने दिया है, वो बकरी रखी हुई है और वो बकरी खेत में चली जाती तो अचानक उनको देखते हुए भी आए दिन टोले में हर किसी को एक न एक को कहीं को गाली देते ही रहते हैं वो। ये मैं दूरभाष पर चर्चा करने पर थाना प्रभारी शिवपूजन मिश्रा ने बताया कि डोकरबंदी के ग्रामीणों ने ग्राम के चैनलाल राणा और उसके भतीजे शैलेश राणा के द्वारा ग्रामीणों को गाली गलौज देने के संबंध में शिकायत की है। शिकायत पर मामला पंजीबद्ध कर मामले की जांच की जा रही है। बाल श्रम एक अपराध की श्रेणी में आता है, जिसमें बच्चों से बाल श्रमिक के रूप में कार्य करने वाले ठेकेदार या शासकीय कर्मचारी तथा अन्य संस्थाओं पर कार्रवाई प्रशासन के द्वारा की जाती है। परंतु बालाघाट जिले के ग्राम पंचायत गोडरू के अंतर्गत धान खरीदी उपार्जन केंद्र में बाल श्रमिकों को उनका उपयोग कर धान के खाली किए गए बोरों को हटाने का कार्य उनके द्वारा कराया जा रहा है। आपको बताते कि जहां बच्चों को राज्य सरकार शासन प्रशासन की शिक्षा की ओर आकर्षित करने का जोरदार पहल कर रही है, वहीं कुछ लोग अपने फायदे के लिए बच्चों को बाल श्रमिक के रूप में उपयोग भी कर रहे हैं। ग्रामीणों की उपस्थिति में बाल श्रमिकों का उपयोग करके छोटे बच्चों होने का भी हवाला देकर बात को टाल दिया जाता है। परंतु क्या बाल श्रम अपराध की श्रेणी में नहीं आता? या आता है तो उपार्जन केंद्र गुड्रू में बाल श्रमिक कार्य कर रहे हैं। बच्चों को काम करता देख सरपंच पति व ग्रामीणों ने काम करवा रहे एक युवक को समझाया कि बच्चों से कार्य न कराया जाए, परंतु युवक के द्वारा बात नहीं सुनी गई, जिस कारण ग्रामीणों के द्वारा मजबूरन वीडियो बनाया गया। वीडियो में स्पष्ट दिख रहा है कि युवक के द्वारा बच्चे से कार्य करवाया जा रहा है, जो कि बाल श्रम अपराध की श्रेणी में आता है। सवाल उठता है कि क्या बच्चों से कार्य करवाया जा सकता है या कार्रवाई के दिशा निर्देश देगा। जिला प्रशासन ग्रामीणों के द्वारा जानकारी देते हुए बताया गया कि छोटे बच्चों के द्वारा धान के बोरे भी पलटने के लिए बच्चों से ही कार्य करवाया जा रहा है। जिला प्रशासन को गुडरू उपार्जन केंद्र में ध्यान देने की आवश्यकता है। जिले के पुरातत्व और पर्यटन प्रेमियों के लिए खुशी की खबर है। जिले से लगे धनसुआ में स्थित प्रसिद्ध गोसाई मंदिर में शीघ्र ही वह नए स्वरूप में नजर आएगा, जिसके जीर्णोद्धार के लिए शासन ने 44 लाख रुपए की राशि स्वीकृत की थी। वह निर्माण एजेंसी की टीम पर मंदिर स्थल पर वहां पहुंच गई और शीघ्र ही मंदिर का जीर्णोद्धार कार्य भी अब शुरू किया जा रहा है। 11 जनवरी को DATCC के 3 सदस्यीय दलों ने मौका स्थल का निरीक्षण किया। मंदिर समिति के साथ ही भोपाल व रीवा से पहुंचे निर्माण एजेंसी के पदाधिकारियों के साथ मुलाकात कर आवश्यक चर्चाएं भी की।
इस दौरान मंदिर का किस तरह से कायाकल्प किया जाएगा, साथ ही अन्य मुद्दों पर भी चर्चा की गई। वहीं कलेक्टर डॉक्टर गिरीश मिश्रा से चर्चा के बाद निर्माण कार्य शुरू करवाए जाने की बाद ही सहमति बनाई गई। निरीक्षण के दौरान डॉक्टर गहरवाल के साथ ही पर्यटन प्रबंधक एम के यादव, निशान सिंह बैस आदि भी शामिल रहे। आपको बता दें कि 27 अक्टूबर 1980 को गोसाई मंदिर अस्तित्व में आया था। इस प्राचीन मंदिर के संरक्षण के लिए निरंतर पत्राचार किए गए। परिणाम यह रहा कि राज्य सरकार के संस्कृति विभाग ने मध्य प्रदेश प्राचीन स्मारक पुरातत्वीय स्थल व अवशेष अधिनियम 1964 के तहत इसे राज्य संरक्षित घोषित किया गया। इसे शिव साधना का तांत्रिक मंदिर कहते हैं। स्थापत्य विद्या की दृष्टि से यह मंदिर 10वीं शताब्दी का प्रतीत होता है। जमीन जायदाद के विवाद के चलते दो भाई आपस में भिड़ गए और दोनों के बीच हुई मारपीट में दोनों भाई चोटिल भी हो गए। दोनों भाइयों ने एक दूसरे को जान से खत्म करने की धमकी भी दी। 11 जनवरी की शाम 5 बजे यह घटना वार्ड नंबर 14 कटंगी में घटित हुई। कटंगी पुलिस ने दोनों भाई, जिनमें नवीन पिता प्रकाश चंद्र कोठारी 35 वर्ष वार्ड नंबर 14, वहीं राहुल पिता प्रकाश चंद्र कोठारी 40 वर्ष वार्ड नंबर 15 कटंगी निवासी के विरुद्ध मारपीट और जान से मार डालने की धमकी देने के आरोप में अपराध दर्ज कर जांच शुरू की। प्राप्त जानकारी के अनुसार कटंगी निवासी राहुल कोठारी और नवीन कोठारी दोनों ही सगे भाई हैं। नवीन कोठारी की सिनेमा चौक कटंगी में ऑटो पार्ट्स की दुकान है, तो वहीं राहुल कोठारी जेएम बिल्टेक कंपनी में सुपरवाइजर के पद पर कार्यरत है। दोनों भाइयों के बीच जमीन जायदाद संबंधित विवाद चल रहा है। यह विवाद न्यायालय में विचाराधीन है। इस जमीन विवाद के चलते दोनों भाइयों के बीच आपसी रंजिश बनी हुई है। राहुल कोठारी को शक है कि उसका बड़ा भाई नवीन कोठारी उसके गवाह को गुमराह करता है। 11 जनवरी की शाम 5 बजे वार्ड नंबर 14 शैलेंद्र सेलकर के घर के सामने जब नवीन कोठारी खड़े थे, उसी समय उनका छोटा भाई राहुल कोठारी आया और बोलने लगा कि उनके गवाह को वे गुमराह क्यों करते हैं। नवीन कोठारी ने उसे बोला कि किसने बताया सी के साथ दोनों भाइयों ने एक दूसरे का कॉलर पकड़कर खिस्तान झुमा झटकी के साथ या हाथ बुक्कों से एक दूसरे को मारपीट करने लगे, जिससे दोनों भाई चोटिल हो गए। मारपीट के दौरान दोनों भाइयों ने एक दूसरे को जान से मार डालने की धमकी भी दे दी। बीच बचाव के बाद दोनों भाई रिपोर्ट दर्ज करने के लिए कटंगी पुलिस थाना पहुंचे। कटंगी पुलिस ने दोनों भाइयों का वहीं से शासकीय अस्पताल में इलाज मुलाहिजा करवाया और दोनों भाइयों के द्वारा एक दूसरे के विरुद्ध की गई रिपोर्ट पर कटंगी पुलिस ने दोनों भाई नवीन कोठारी और राहुल कोठारी के विरुद्ध 294, 323, 506 भारतीय दंड विधान के अंतर्गत भारतीय दंड विधान के तहत अपराध दर्ज कर विवेचना शुरू की है। करीनापुर महोत्सव में ऑल इंडिया वॉलीबॉल टूर्नामेंट के तहत रोमांचक फाइनल मैच में छत्तीसगढ़ पुलिस टीम को परास्त कर WCR जबलपुर की टीम ने करीनापुर महोत्सव 2024 की वे विजेता बनी। फाइनल मुकाबले में पहला सेट गवाकर शानदार वापसी करते हुए जबलपुर रेलवे की टीम के खिलाड़ियों ने अपने उत्कृष्ट खेल का प्रदर्शन करते हुए बाकी के सेट लगातार जीतकर मैच 3-1 से अपने नाम कर लिया। जबलपुर रेलवे टीम के विजयी होते ही मैदान में लोगों ने ढोल नगाड़ों के बीच जमकर नाचते गाते हुए जीत का जश्न मनाया। आपको बताया कि प्रतियोगिता का प्रथम क्वार्टर फाइनल मैच साई हॉस्टल रायबरेली व WCR जबलपुर के मध्य खेला गया था, जिसमें जबलपुर की टीम ने मैच जीतकर सेमीफाइनल में प्रवेश किया। उसी प्रकार द्वितीय क्वार्टर फाइनल मुकाबला BHU बनारस व मेरठ आर्मी के मध्य खेला गया, जिसमें मेरठ आर्मी टीम विजेता रही। वहीं तृतीय क्वार्टर फाइनल मुकाबला परतवाड़ा व नरसिंहपुर हॉस्टल के मध्य खेला गया था, जिसमें नरसिंहपुर की टीम विजेता बनी। चौथा क्वार्टर फाइनल मुकाबला छत्तीसगढ़ पुलिस टीम व कुरुक्षेत्र टीम के मध्य खेला गया, जिसमें छत्तीसगढ़ पुलिस टीम ने मैच जीतकर सेमीफाइनल में प्रवेश किया था। उसी प्रकार प्रथम सेमीफाइनल मुकाबला मेरठ आर्मी व छत्तीसगढ़ पुलिस टीम के मध्य खेला गया, जिसमें छत्तीसगढ़ पुलिस टीम के खिलाड़ियों ने शानदार खेल का प्रदर्शन कर फाइनल में अपनी जगह बनाई। और दूसरा सेमीफाइनल मुकाबला जबलपुर रेलवे व नरसिंहपुर हॉस्टल के मध्य खेला गया, जिसमें जबलपुर रेलवे टीम ने बाजी मारते हुए फाइनल में अपना स्थान पक्का किया। वहीं तीसरे स्थान के लिए नरसिंहपुर हॉस्टल व मेरठ आर्मी के मध्य खेला गया मैच, जिसमें नरसिंहपुर टीम ने बाजी मारते हुए तीसरा स्थान प्राप्त किया। उसी प्रकार रोमांचक फाइनल मुकाबला जबलपुर रेलवे व छत्तीसगढ़ पुलिस टीम के मध्य खेला गया, जिसमें जबलपुर रेलवे टीम ने 3-1 सेट से फाइनल मुकाबला जीतकर प्रथम स्थान प्राप्त किया तथा दूसरे स्थान पर छत्तीसगढ़ पुलिस टीम रही। अंत में मैच के समापन पर सूर्योदय स्पोर्टिंग क्लब के पदाधिकारियों के द्वारा विजेता व उपविजेता टीम के खिलाड़ियों को पुरस्कारों का वितरण किया गया। और पॉइंट गया यहाँ पे छत्तीसगढ़ पुलिस को 12-13।
उठाने में नाकामी अब यहाँ पे छत्तीसगढ़ पुलिस के खिलाड़ी मैदान के बीचों बीच मारे गए 14-12 पर सर्विस मुबारक की और बेहतरीन स्मैश और अच्छा डिफेंस दिया मेरे टारगेट के खिलाड़ी ने बेहतरीन स्मैश एक नंबर खिलाड़ी छत्तीसगढ़ पुलिस की ओर से खूबसूरत जवाब देते दोनों टीमें गर्म हो चुकी है। मैं खिलाड़ियों को बता दू और दर्शकों को बता दूं कि अपनी देसी भाषा जो मिर्जापुर के दोनों खिलाड़ी दोनों टीमों के खिलाड़ी हो गए गरम अब खेलेंगे जोरदार मुकाबला ही इसी कड़ी में हमारे पूर्व विधायक सम्मान्य पुष्पताली के कांवरे जी हमारे बीच उपस्थित है। सूर्योदय स्पोर्टिंग वॉलीबॉल क्लब के अध्यक्ष सम्मान्य समर्थ ताजा जी से मैं निवेदन कर और सुनेगा कौन देख रहे सामने तरीके से अभी वो रैली चालू है खिलाड़ियों के आते में अपने साथ केवल पर रेल वाले या दूसरा सेट लगातार देता है 25-21 तरीके से महाविजेता टीम यहाँ पे बनी है 2034 ऑल इंडिया वॉलीबॉल टूर्नामेंट उल्लापुर महोत्सव की विजेता बनी है डब्ल्यूसीआर जबलपुर रेलवे बहुत शानदार तरीके से हमने जीता है और छत्तीसगढ़ पुलिस को हराया है जो बहुत बड़े बड़े प्लेयर यहाँ पे हमारे छत्तीसगढ़ पुलिस में आए थे ऑल इंडिया दीपेश सिन्हा जी बहुत शानदार प्रदर्शन। बालाघाट जिले के सिवनी जिले से लगे उगली थाना क्षेत्र के ग्राम कनारी में से ग्राम के एक व्यक्ति मनोज पिता इंद्रराज तो ने 38 वर्ष ने कीटनाशक दवाई का सेवन कर लिया जिसे जिला अस्पताल में भर्ती किया गया। प्राप्त जानकारी के अनुसार मनोज दो ने अपने परिवार के साथ खेती की सेवन करता है। 11 जनवरी की रात्रि 8 बजे मनोज ने किसी मानसिक तनाव में आकर घर में रखे कीटनाशक दवाई का सेवन कर लिया और वहां उल्टियां करने लगा जिससे उसकी मां ने पास पड़ोस में रहने वाले अपने रिश्तेदार व शिनेश्वर दोने के घर लेकर गए और यह बात बताई कि मनोज ने कीटनाशक दवाई का सेवन कर लिया है। शिनेश्वर दोने के द्वारा पूछने पर मनोज ने कुछ नहीं बताया। इसके बाद मनोज बेहोश हो गया। सिनेश्वर ने प्राइवेट वाहन से मनोज को बेहोशी की हालत में जिला अस्पताल बालाघाट लाकर भर्ती किया है।